हेलो फ्रेंड्स, करंट एक्सल्यूशन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TVS जिप्लिन बाइक की कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि इस वीडियो बाइक को स्पेशल बनाती हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले इस बाइक पर एक वीडियो बनाई थी जो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा व्यू मिले हैं, वो मेरी बेस्ट वीडियो में से एक वीडियो। अगर आप इसका वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ई बूस्ट से। दोस्तों, जो आप बाइक के साइड पर एक लगा हुआ लोगो देख रहे हैं जिस पर ई बूस्ट लिखा हुआ है, ये सिर्फ डिज़ाइन को बेटर बनाने के लिए नहीं लगाया गया बल्कि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि इस बाइक में यूज़ की गई है। मारुति सुजुकी की एक कार दोस्तों आपने देखी होगी सिजाज, जिसके रियर में एक लोगो लगा होता है ब्लू अक्षरों में जिस पर लिखा होता है SHVS। दोस्तों, वो SHVS ई बूस्ट जो सेम ही फीचर है वो उस गाड़ी में परफॉर्मेंस और माइलेज इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। सेम उसी चीज़ को इस बाइक में ई बूस्ट का नाम दिया गया है जो कि इस बाइक की माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ों को इंक्रीज करेगा। दोस्तों, इस बाइक में 220 सीसी पावर वाला इंजन लगाया गया है, लेकिन इस इंजन में स्पेशल बात यह है कि इस इंजन में नॉर्मल बाइक की तरह जो चेन वो नहीं यूज़ की जाएगी, इस बाइक में बेल्ट यूज़ की जाएगी। जैसे कि आपने हार्ले की बाइक्स में ज़्यादा देखा होगा कि वहाँ पर चेन की जगह जो बेल्ट यूज़ की जाती है, सेम वैसे ही इस बाइक में भी चेन की जगह बेल्ट यूज़ की जाएगी। बेल्ट यूज़ करने का दोस्तों जो मेन पर्पस है वो ये है कि एक तो जो बेल्ट होती है उसकी मेंटेनेंस जो चेन से कम होती है, सेकेंड जो नॉइस होती है चेन की वो बेल्ट में नहीं आती, इसीलिए जो बेल्ट होती है उसमें नॉइस कम होती है और आपको नॉर्मली जो इंजन का साउंड वही सुनाई देता है। सेकंड बात दोस्तों, आप जो कॉन्सेप्ट बाइक में इंजन के पास एक रेडिएटर की डम्मी लगी हुई देख सकते हैं, तो इस चीज़ से आइडिया लगाया जा सकता है कि जो प्रोडक्शन बाइक होगी उसमें हम ज़्यादा पावर वाला लिक्विड कूल्ड इंजन देख पाएंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाइक की हेडलैम्प के बारे में। अगर बाइक को आप क्लोज से हेडलैम्प को देखोगे तो दोस्तों आप में को इसके अंदर एक यू टाइप का जो DRL नज़र आएगा और उसके साथ ही एक ब्लैक पार्ट नज़र आएगा जो कि HD Cam है। दोस्तों, आजकल काफ़ी ट्रेंड है जो जर्नी रिकॉर्ड करने का, इसके लिए जो बाइक्स के लिए हेलमेट आ रहे हैं वो भी कैमरे के साथ इनबिल्ट एडेड आ रहे हैं। उसके बाद जो कार्स है उसमें ज़्यादातर लोग डैश कैम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए TVS ने जो हेडलैम्प के साथ इनबिल्ट HD Cam दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाइक के लॉन्च की और प्राइस की। दोस्तों, प्राइस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन थी, जो 220 सीसी बाइक है इसका प्राइस क्या होना चाहिए। कुछ लोग मेरी पहले वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप 7 लाख की बाइक को 1.5 लाख की बोल रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 220 सीसी इंजन वाली बाइक अगर 7 लाख में कोई भी कंपनी लॉन्च करती है तो वो सेल होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अगर 7 लाख जो बंदा स्पेंड कर रहा है तो वो उसके लिए हार्ले स्ट्रीट 750 पर भी अपने पैसे खर्च कर सकता है, वो 220 सीसी इंजन पर अपने जो पैसे वेस्ट नहीं करेगा। तो इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दोस्तों वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच रहने वाला है, बाकी जो प्रॉपर प्राइस है वो लॉन्च होने पर ही पता चल जाएगा कि क्या प्राइस होने वाला है। तो लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2019 के स्टार्टिंग मंथ्स में इन्हें लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस बाइक के बारे में, इस बाइक के प्राइस के बारे में अगर आपके मन में कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।